35 बीघा सेल कर दिए। हाँ 35 बीघा हम लोग ऑन रजिस्ट्री दे चुके हैं। के तौर पे एक हम लोग टेम्पल यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा। सोसाइटी है, इसके लिए एक कम्युनिटी हॉल टाइप का जो मीटिंग हॉल सोसाइटी में जो भी रहेंगे इनके लेकर के हम लोग एक मीटिंग हॉल दे रहे हैं। सामने इस साइड हम लोग 8400 स्क्वायर फीट में एक पार्क एरिया दे रहे हैं। प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में हम इस सोसाइटी में डुप्लेक्स लेकर आ रहे हैं। पीछे हम लोग चौराहा बना होगा, जैसे बोरिंग रोड चौराहा बना होगा जस्ट लाइक अभी इस एरिया का, क्योंकि ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये न्यू पटना बन रहा है। इन सारे नमस्कार, मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी देखो। फ्रेंड आप सभी के लिए मैं हमेशा नए नए लोकेशंस पे प्रॉपर्टी का वीडियो दिखाता रहता हूं, और आज का वीडियो फ्रेंड्स मैं आपको पटना का बिल्दारी चक एरिया का मैं दिखाने वाला हूं। आपको बता दूं कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के लिए, अब आप यूट्यूब वाला जितना भी वीडियो आप देखते हैं अब आप व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे फॉलो कर ले, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे वीडियो मिलने वाला है। फ्रेंड्स अब आप लोग को प्रॉपर्टी का भी लीगल वेरिफिकेशन करवाना हो सारा कुछ, वो भी हमारे थ्रू आप करवा सकते हैं, जो आपको कम समय में अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। उसका भी मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला है, आप उस पर कॉल करके सारा कुछ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे साथ हैं गौतम जी, जो आपको पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि कहाँ पे बिल्दारी चक में ये साइट है और साइट का मतलब क्या क्या एमिनिटीज है, क्या रोड दे रहे हैं सारा कुछ। तो नमस्ते गौतम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्ते। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये बिल्दारी चक में ये किस लोकेशन पे ये सोसाइटी डेवलप कर रहे हैं। ये जो लोकेशन है वो बिल्दारी चक से 3 किलोमीटर टुवर्ड्स हम लोग धनरुआ जो बढ़ते हैं ना, तो ये पटना गया रोड से 800 मीटर अंदर आने पर ये हम लोगों का 35 बीघे का सोसाइटी है। पहले तो हम लोग इसको इंडिविजुअल स्टार्ट किए थे, बट धीरे धीरे करते करते अभी कस्टमर लोगों का इतना डिमांड है इधर, अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान गवर्नमेंट भी इधर बहुत सारा चीज कर रही है, तो हम लोगों का डिमांड ही यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, जिस कारण से हम लोग का सोसाइटी बहुत बड़ा हो गया है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 20 बीघा और भी हम लोग एक्सटेंड करें। 35 बीघा सेल कर दिए। हाँ 35 बीघा हम लोग ऑन रजिस्ट्री दे चुके हैं। जिसका पोजीशन ये सेल किए मतलब ये 2019 में हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 57 कट्ठा का लेकर के, और अभी धीरे धीरे लॉकडाउन होते हुए भी हम लोग अभी तक 35 बीघा ऑन रजिस्ट्री दे चुके हैं, मतलब अप्रोक्स 2.5 बीघा अभी बुकिंग में और भी है। जिसका रजिस्ट्री नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। नेक्स्ट मंथ होने जा रहा है। फ्रेंड्स आप ये भी वीडियो में देख रहे होंगे हमारा ड्रोन शूट और सारा कुछ आप हमारे फ्रेम में भी देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग पोजीशन ले लिए हैं। सबसे बड़ा गौतम जी जरा ये बताइएगा कि इसमें एंट्रेंस रोड कितने फिट का है, ब्रांच रोड कितने फिट का है, साथ में एमिनिटीज क्या क्या दे रहे हैं वो जरा कवर कीजिएगा। अभी जो मेरा मेन एंट्रेंस है वो सोसाइटी के चारों साइड से रोड है, गवर्नमेंट का रोड है, जिसमें हम लोग ये देखे ना कि जो हमारा इतना बड़ा जो सोसाइटी हो रहा है, तो पहले तो सोसाइटी में एंट्रेंस के लिए हम लोग गांव का रोड जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो आप इधर देख रहे हैं, हमारे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये भी 60 फीट का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ये पीच रोड है। अच्छा। टुवर्ड्स इधर देखेंगे ये लक्ष्मी चौक गाँव है, इधर से भी हम लोगों का एंट्रेंस है, बट हम लोग जब सोसाइटी बड़ा कर रहे हैं तो हम लोग एक अपना प्लान लेकर के आए, और सोसाइटी के अंदर में मेरा अपना खुद का 30 फीट का रोड जो मेरा खुद का एंट्रेंस है जो कंपनी परचेज की है। अच्छा। और जो भी ब्रांच रोड है वो 20 फीट का है जो अभी दिख रहा है। अच्छा। ये पूरा गेटेड टाउनशिप होगा, चारों साइड से ये गेटेड होगा। इसमें मेन एमिनिटीज के तौर पे एक हम लोग टेम्पल यहाँ पे बना रहे हैं। अच्छा। सोसाइटी में जो अभी 500 लोगों का जो हम लोग ड्रीम लेके चले हैं, 500 लोगों को यहाँ पे रहना है, इसके लिए एक कम्युनिटी हॉल टाइप का जो मीटिंग हॉल सोसाइटी में जो भी रहेंगे इनके लेकर के हम लोग एक मीटिंग हॉल दे रहे हैं। आगे जो हमारा डी ब्लॉक है उसमें हम लोग चिल्ड्रंस पार्क भी दे रहे हैं, और ये जो मेरा कनेक्टिविटी है ये हमारा पर्सनल कनेक्टिविटी और गवर्नमेंट का कनेक्टिविटी दोनों साइड से मेरा कनेक्टिविटी है। अगर सोसाइटी के लोग हैं अगर चाहे तो वो अपने मेन कनेक्टिविटी से भी आ सकते हैं, और जो गांव वाला कनेक्टिविटी है उधर से भी आ सकते हैं। ये कौन सा मौजा में आता होगा? ये मौजा जो है ये 3 मौजा मिलाकर के हम लोग सोसाइटी कर रहे हैं। ये हमारा बीर में है, बीर में भी पड़ रहा है, उरियारा में पड़ रहा है, और देवदा में भी पड़ रहा है। देवदा में पड़ रहा है। अच्छा एक चीज और हम यहाँ गौतम जी क्या देख रहे हैं कि ये साइट पे थोड़ा चलते चलते बात करते हैं, ये साइट पे पोल वगैरह सारा कुछ करवाए हैं, तो यहाँ पूरा स्ट्रीट लाइट का भी सारा प्रबंध कर रहे हैं। सोसाइटी में हम लोग यहाँ पे अपने सोसाइटी का एक एंट्रेंस पे हम लोग साइड में ट्रांसफार्मर भी देंगे, सोसाइटी का अपना लाइटेड जो स्ट्रीट लाइट वगैरह जो सोसाइटी में वो हम लोग पूरा करके देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जरा यहाँ कैमरा दिखाएगा, देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट के लिए पोल वगैरह सारा कुछ गिर गया है, और ये पूरा बाउंड्री कर दी है। नहीं ये पूरा गेट होगा। हाँ। अच्छा ये पूरा गेट रहेगा और आगे गेट एक लग जाएगा, पूरे चारों तरफ पूरे सोसाइटी का बाउंड्री कीजिएगा। हाँ सोसाइटी पूरा मेरा गेटेड होगा, पहले हम लोग का ये प्लानिंग नहीं था, बट अभी प्लानिंग है कि आने वाले टाइम में हम इस सोसाइटी में डुप्लेक्स लेकर के भी आ रहे हैं। अच्छा। पीछे हम लोग 6 बीघे का जमीन जो है रजिस्ट्री लिया है, जिसमें हम लोग हाईराइज लेकर के आ रहे हैं। ये हमारा 2026 प्रोजेक्ट है। पहले इस सोसाइटी में जो भी मेरा एमिनिटीज है, जैसे ये आप रोड देख रहे हैं, जो भी पोल गिरा हुआ देख रहे हैं,
इसको हम लोग स्ट्रीट लाइट से पूरा इसको गेटेड करने जा रहे हैं। पार्क मेरा कंप्लीट होगा, मेरा कम्युनिटी हॉल कंप्लीट होगा, मेरा जो भी स्ट्रीट लाइट है, रोड वगैरह सारा, जब हमारा सोसाइटी पूरा वेल डेकोरेटेड होगा, जब लोग इस फेज में होंगे कि हमारे सोसाइटी में फुल्ली आकर के घर बना सके, फिर हम लोग अपना परचेज जो एरिया है उस परचेज एरिया में हम लोग अभी डुप्लेक्स भी प्लान कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम लोग हाई राइज भी यहाँ पर लेके। अच्छा गौतम जी, जरा ये बताइएगा कि लोकेशन तो आपने बता दिया, यहाँ से कनेक्टिविटी क्या क्या होने वाला, जैसे कि बिलदारी चक से जो बीटा सर मेरा रोड है उधर से किधर किधर निकल सकते हैं और ये इधर किधर निकल सकते हैं मसौड़ी होता है। अभी जो हम मेन जो यहाँ का जो सेंट्रल पॉइंट बोलेंगे वो बेलदारी चक है। जस्ट लाइक जो पटना का आज से 20-25 साल पहले जो ग्रोथ हुआ होगा, तो जैसे डाक बंगला चौराहा बना होगा, जैसे बोरिंग रोड चौराहा बना होगा, जस्ट लाइक अभी इस एरिया का, क्योंकि ये मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग ये न्यू पटना बन रहा है, इन सारे एरिया में जो भी है ना वो पूरा ऑर्गेनाइज पटना बस रहा है। अच्छा, तो इसका जो मेन चौराहा होगा वो बेलदारी चक होगा और बेलदारी चक का जो कनेक्टिविटी है ना वो नॉर्थ बिहार साउथ बिहार से लेकर के सारे जगह का कनेक्टिविटी है। वहां से हम लोग टुवार्ड्स अगर बीटा जाएंगे तो बीटा सरमेरा है जो कि डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है। टुवार्ड्स हम लोग 0 माइल जाएंगे तो ISBT को कनेक्ट कर रही है। टुवार्ड्स हम लोग अगर दनियावा साइड में जा रहे हैं तो वो भी नवादा वाला जो 4 लाइन है, नालंदा वाला, उसको कनेक्ट कर रही है। और सबसे ज्यादा मेन चीज जिस रोड पे, पटना गया रोड पे, जो टूरिस्ट को भी मेन फोकस करता है आज तक बिहार में, अगर टूरिस्ट को अगर फोकस किया जाए तो नालंदा राजगीर को और गया को फोकस किया गया जिस रोड पे है। आई मीन मेरा कहना है कि जो पटना गया रोड है उस रोड से ये 800 मीटर पे है एग्जैक्ट। ये हाँ, फुल्ली में हम लोगों का ओन कनेक्टिविटी है। बाजार वगैरह का अगर बात करें तो यहाँ से बाजार वगैरह कितना दूरी पे होगा? यहाँ पे बाजार जो अभी यहाँ का जो भीड़ चौक देख रहे हैं ना, यहाँ पे जस्ट हम लोग बगल में देख रहे हैं भीड़ हाई स्कूल, जो की अभी नीतीश कुमार के जी के द्वारा बिहार में 3 मॉडल स्कूल बनाया गया था जिसमें से एक भीड़ स्कूल भी है। अच्छा, तो यहाँ से मात्र 800 के कनेक्टिविटी पर कमर्शियल पूरा आपको मिल जाएगा। बगल में एक बिहार का सबसे बड़ा, आई मीन कहने पटना राजधानी है, इसमें फन एंड सिटी, जो कि अभी तक पटना में अगर मौर्य होटल की भी बात करें, अगर पनास की भी बात करें, उससे भी बड़ा एमिनिटीज के साथ अभी यहाँ पे फन एंड सिटी एक रिसोर्ट खुला है, जिसपे काफी पटना के जो भी प्रीमियम क्लास लोग हैं और जो भी अच्छे लोग हैं, जो इन चीजों को जान रहे हैं, जो इन चीजों को फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, जो कि हमारे साइड से मात्र 1 किलोमीटर पे है। 1 किलोमीटर और यहाँ से स्कूल, जैसे अगर एजुकेशन में स्कूल कॉलेजेस काफी सारा यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे बीएड कॉलेज है, बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, साथ ही साथ अगर सीबीएसई स्कूल की बात करें तो आगे जाके यहाँ पे संत माइकल, संत कैरेंस और आपको बता दे डॉन वास्को वगैरह, ये सारे लोग जो है ना अपना 14 बीघा 11 बीघा 10 बीघा ऐसे कर करके सारे लोग जस्ट सामने जमीन एक्वायर किए हैं, मतलब हमारी सोसाइटी से 700 मीटर आगे। एजुकेशन का ये हो गया। अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पे रेलवे स्टेशन भी बन रहा है और साथ ही साथ बिहार का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क जो कि 105 बीघे में पहले एक्वायर्ड था, अभी इसको बढ़ा के 275 बीघा कर दिया, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर भारतमाला प्रोजेक्ट जो अभी गवर्नमेंट अभी बना रही है, मतलब उसका लैंडमार्क लिया गया है, वहीं पे 275 बीघे का लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। अभी हमारी सोसाइटी से अगर थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर और आगे जाएंगे टुवार्ड्स बीर और बेलदारी चक, तो एक लॉर्ड बुद्धा मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर भी बन रहा है। अच्छा, जो कि मेडिकल फैसिलिटेट का रिसर्च, जैसे कि अगर टेक्निकल में अगर बात करें तो IIT रिसर्च के लिए आगे है, तो मेडिकल साइंस में अभी बिहार में कोई ऐसा रिसर्च सेंटर नहीं है, जो कि रिसर्च मेडिकल साइंस का रिसर्च सेंटर बन रहा है, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, जो कि हमारी सोसाइटी से 1.5 किलोमीटर पे है, यानी कि इसके इर्द-गिर्द काफी ज्यादा डेवलपमेंट, एजुकेशनल भी कह सकते हैं यहाँ पे और आने वाले टाइम का कमर्शियल भी कह सकते हैं, मतलब आने वाले टाइम में ये जो एरिया है ना जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आगमन है यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सोसाइटी पे, जैसा कि ये जो रोड देख रहे हैं ये भी कितने फीट का? ये 20 फीट का है। ये 20 फीट हाँ जी। फ्रेंड्स एक चीज और आप ये देख सकते हैं इधर, ये कितने एरिया का ये प्लॉट कटे हुए? ये मेरा 2400 स्क्वायर फीट का है, ये भी 2400-3600 स्क्वायर फीट, जो भी मेरा कॉर्नर है वो 3600 स्क्वायर फीट का है, 2400 स्क्वायर फीट। ये सारा रजिस्ट्री हो चुका है? हाँ, अभी जितना भी इसमें आप देख रहे हैं एरिया, ये सारा हम लोग का मेन USP पॉइंट है कि हम लोग रजिस्ट्री से पहले पोजीशन देते हैं, बिना पोजीशन लिए हुए किसी भी कस्टमर को हम लोग रजिस्ट्री नहीं देते हैं। अब ये है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी फॉरेन में है, NRI लोग हैं, उन लोगों को हम लोग रजिस्ट्री दे दिए 2019 में, उन लोगों का कुछ लोगों का पोजीशन नहीं हुआ है, जो कि आगे का एरिया आप इस पार्ट का देख रहे हैं, हमारे पार्क एरिया का साइड देख रहे हैं, ये सब एरिया में अभी पोजीशन नहीं हुआ है, जो कि 2019 में, 2020 से आफ्टर कोविड हम लोग इन कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिए, हम लोग पहले पोजीशन देते हैं फिर रजिस्ट्री देते हैं। चलिए, काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस एरिया में और कहाँ कहाँ पे
आपका इस एरिया में? अभी अकॉर्डिंग टू डिमांड हम लोग जस्ट जो लॉर्ड बुद्धा मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक डॉक्टर्स कॉलोनी हम लोग बनाया है जिसको हम लोग 2 महीने में 60 डेज में हम लोग उसको बुक कर दिए हैं। और वो मेरा सोसाइटी पूरा गेटेड सोसाइटी है जिसमें हम लोग फेंसिंग भी कर दिए हैं और उसमें हम लोग पोजीशन भी दे चुके हैं, रजिस्ट्री भी दे दी है और प्लानिंग में है कि पीछे अगर एरिया अभी बढ़ने वाला है, अगर बढ़ता है तो हम लोग वहाँ पे फिर से एक बड़ा सा पैच लेकर के आएंगे। अच्छा, यहाँ का रेट क्या है, यहाँ और वहाँ का जो आप बता रहे हैं? अभी जो हम लोग रेट जो डॉक्टर्स कॉलोनी की बात कर रहे हैं वहाँ पे 25 लाख रुपीज पर कट्ठा हम लोग 1200 स्क्वायर फीट दे रहे हैं और यहाँ पर जो रेट है अभी के रेट में हम लोग 18 लाख रुपए कट्ठा दे रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करें तो एग्रीमेंट और पेमेंट मोड क्या होगा? अगर मेरा जो भी जैसे आप कोई भी कस्टमर जो साइट विजिट करते हैं, विजिट करते ही जो भी एरिया उनका फाइनल होता है ना उसका एक छोटा सा हम लोग सगुन अमाउंट लेते हैं 51,000 का। 51,000 के बाद उनको हम लोग टोटल पेपर देते हैं, 21 डेज के अंदर में हम लोग एग्रीमेंट प्रोसेस में आते हैं जिसमें हम लोग 40% लेते हैं। अच्छा, और विद इन 6 मंथ हम लोग रजिस्ट्री देते हैं। अच्छा, आप अपने तरफ से इतना टाइम देते हैं? हाँ, इतना टाइम हम लोग देते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं, इससे ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देते क्योंकि डे बाई डे 6 मंथ में यहाँ पे ग्रोथ इतना ज्यादा है, कस्टमर डिमांड इतना ज्यादा है क्योंकि हम लोग को टाइम पे किसान से और भी एरिया जो आप देख रहे हैं ना, प्लानिंग यहाँ पे ऐसा है कि अगर ये 200 बीघा है तो इसमें हम लोग 100 बीघे पे काम करें जिस हिसाब से कस्टमर डिमांड है। हम लोग इधर का डिमांड भी बहुत ज्यादा डिमांड है और ज्यादातर तो इधर नालंदा के लोग ज्यादा ले रहे हैं। नहीं नहीं, ऑल ओवर द ग्लोब की, ऑल ओवर अगर पटना की बात करें तो क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर माइंडसेट के होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी जो है जो अपने नियर अबाउट पे लेना चाहते हैं, तो जो नालंदा वाले हैं वो अपने नियर अबाउट पे ले रहे हैं और बहुत सारे जिनको ग्रोथ चाहिए, जिसको इन्वेस्टमेंट राइट स्पेस पे चाहिए, पटना का राइट लोकेशन पे चाहिए, तो वैसे लोग भी, जैसे कि हम आपको बता दें कि आरा के भी लोग लिए हैं, छपड़ा के भी लोग लिए, मतलब ऑल ओवर द पैन। जो बिहार की बात करें अगर हम, तो बिहार में हर लोकेशन के 38 डिस्ट्रिक्ट में हमको लगता है 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने जमीन दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे किस किस तरह के लोगों को आप जमीन दिए? अभी जो हम अपने सोसाइटी में मैक्सिमम हम लोग प्रोफेसर लोगों को दिए हैं, हाई कोर्ट के लोगों को दिए हैं, क्लास 1 क्लास 2 लोगों के लिए, उनका नाम हम नहीं खोलना चाहेंगे, मतलब ब्यूरोक्रेट्स लोगों को भी दिए हैं, और जो सेगमेंट ऐसा की है कि मतलब डिफेंस के लोगों को भी दिए हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा हम लोग प्रीफर किए हैं, जो भी गवर्नमेंट इम्प्लाई है, खास करके आज के डेट में अब जिनके पास पैसा है, कोई फाउंडेशन है नहीं हम लोगों के साथ, जिनके पास पैसा है उन सारे लोगों को हम लोग दिए हैं जो अच्छे लोकेशन पर लैंड लेना चाह रहे हैं। हाँ, तो गौतम जी ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा कुछ कि कैसे कैसे क्या है यहाँ पे, इसका डेवलपमेंट क्या है, कनेक्टिविटी क्या है और साइट पे कैसे क्या करके दे रहे हैं सारा कुछ। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस प्रॉपर्टी को मतलब इस एरिया में अगर परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर शो हो रहा होगा, आप इमीडिएट उस नंबर पर कॉल करके सारा विजिट करें, विजिट करके प्रॉपर्टी फाइनल करें क्योंकि पसंद आने ही वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।